हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पकाने वाली है और आप लोगों को पता चल गया होगा इस टॉपिक को देख के। आज हम पकाएंगे बैंगन आलू, हम लोग इसको बादाम आलू बोलते हैं, और ग्रीन प्याज, इसको फ्राई करेंगे। ये देखो, हमने ऑयल में ऑनियन ऐड कर दिया है और ये इसके वजह से हमने इसको फ्राई कर रहे, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक है। ड्राई लीफ ऐड कर दिया और ये चिल्ली, और अब हम इसमें जो हमने ग्राइंड किया था वो ऐड कर दिया, और हम इसमें सॉल्ट ऐड करिए। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये देखो ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से चम्मच से ऐसे करेंगे। और ये रहा वेजिटेबल्स, ऐड कर दिया हमने, इसको हम अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके फोर और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखो 4 और 5 मिनट हो गए हैं हमारा, इसको हमने ओपन कर दिया है, और हम इसको अच्छे से फिर से चम्मच से मिक्स कर रही है। ये देखो हमारा सब्जी फ्राई अच्छे से दिख रही है, अच्छे से पक रही है, कलर भी अलग सा हो गया है। और हम इसको फिर से कवर करके कुक करेंगे 4 और 6 मिनट के लिए, और आग को मीडियम में रखना है। ये देखो 4 और 6 मिनट के बाद फिर से ओपन कर दिया है सब्जी की कवर को। देखो कितने अच्छे से पक गया है, और अब हम इसको बिना कवर किए कुक करेंगे, फ्राई करेंगे मीडियम हीट में। फायर को मीडियम हीट रखेंगे, और हम इस फायर को ज़्यादा चलने नहीं दूंगे, मीडियम हीट में ही फ्राई करेंगे। ये देखो हमारा सब्जी पक गया है, आधा आलू मटर और बैंगन फ्राई किया हुआ अच्छे से पक गया है। हमारी लैंग्वेज में ग्रीन प्याज को मटर बोलते हैं। ये देखो हमारा बादाम आलू बैंगन और मटर देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। और आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा? अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।